हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। स्पेस स्टेशन में रैम्पेज प्रोजेक्ट के अंडर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, जहां रिसर्चर एथिना होपकिंस कंपनी को रिपोर्ट देकर बताती है स्पेस स्टेशन में सारा क्रू मर चुका है और ये स्टेशन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। एथिना कैप्सूल के एमरजेंसी डोर को ओपन करने के लिए कहती है, जहाँ उसे कहा जाता है पहले तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स के सैंपल्स लाने होंगे, जिसमें उसकी जान को खतरा था क्योंकि जिस चूहे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो अब बड़ा और खूंखार हो चुका था। जहां एथिना अपनी जान पर खेलकर जैसे तैसे कर वापस पहुंचकर तीन सैंपल के कैंस को कलेक्ट करती है, तभी खूंखार चूहा उस पर हमला करने के लिए आता है। एथिना उसे भागकर इमरजेंसी कैप्सूल में आती है। चूहा कैप्सूल पर हमला कर उसे कमजोर कर देता है। एथिना स्पेस स्टेशन से एग्जिट करने में कामयाब होती है, तभी स्पेस स्टेशन ब्लास्ट होकर पूरा तबाह हो जाता है। इसी बीच चूहे के हमलों से कैप्सूल भी कमजोर हो चुका था, इसी कारण वो ब्लास्ट हो जाता है। एथिना वहीं मारी जाती है, जिससे वो तीनों सैंपल्स अलग अलग जगह अर्थ पर आकर गिरते हैं। अर्थ पर एक कैप्सूल कैस्पर में वुल्फ इनिंग करता है, दूसरे को एवरग्लेड में क्रोकोडाइल और तीसरे वाले को सैंडियागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गोरिल्ला। दूसरी साइड सैंडियागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डेविस ओकाई को दिखाया जाता है, जिसके पास न्यू ट्रेनर्स आते हैं। यहाँ एक ट्रेनर लड़की को देख कर बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। आगे जाते हुए डेविस उन्हें वहाँ गोरिल्ला दिखाता है, तभी पीछे से एक व्हाइट गोरिल्ला आता है और डर कर भागने लगता है। ब्लैक गोरिल्ला उसका पीछा करता है, जहाँ उसकी जान व्हाइट गोरिल्ला आकर बचाता है। कॉर्नर की हवा टाइट हो जाती है। डेविस व्हाइट गोरिल्ला से साइन लैंग्वेज में बातें करने लगता है। वो सभी को बताता है ये एक रेयर स्पीसीज का एल्बिनो गोरिल्ला है, जिसका नेम जॉर्ज है। तभी गोरिल्ला उसके साथ मजाक करता है। डेविस उसे समझाता है, तुम्हें उस नए गोरिल्ला को अपने साथ यही शांति से रखना है, तुम उसे दिल से अपना लो। जॉर्ज ऐसा करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे सैंपल इनहेल करने के बाद जॉर्ज के बिहेवियर में चेंज आता है, जहाँ डेविस आकर देखता है उसने एक बड़े भालू को मार दिया था और उसका साइज भी काफी बड़ा हुआ था। डेविस देखता है अब वो काफी खूंखार हो चुका था। वो उसे जैसे तैसे कर शांत करता है और जंगल में सैंपल के बॉक्स को ढूंढ कर लैब में टेस्टिंग के लिए भेजता है। शिकागो में एनर्जी कंपनी की सीईओ क्लेयर वेडन को दिखाया जाता है, जो ये सब इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करवा रही थी। वो बताती है सैंपल्स अर्थ पर गिरे होंगे क्योंकि वो काफी मजबूत थे, जिससे ढूंढ कर हम खूब पैसा कमाएंगे। जहां उसका ब्रदर ब्रेट कहता है किसी और के ढूंढने से पहले हमें सैंपल्स को लाना होगा, नहीं तो हम पकड़े जा सकते हैं। क्लेयर फिर प्राइवेट मिलिट्री टीम को सैंपल्स कलेक्ट करने का टास्क देती है, जहां उनका लीडर बर्क अपनी टीम को लेकर कैस्पर में सैंपल्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लॉस एंजलिस में डॉक्टर कैथरीन कोल्डवेल न्यूज में देखती है एनर्जी कंपनी का स्पेस स्टेशन तबाह हो गया है, जिसके टुकड़े अर्थ पर बहुत सी जगह गिरे, जिसके बाद सैंडियागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक व्हाइट गोरिल्ला भाग गया। बर्क अपनी आर्मी के साथ कैस्पर आता है, जहां वो क्लेयर को रिपोर्ट देकर बताता है सैंपल डिस्ट्रॉय हो चुका है और आसपास बहुत से वुल्फ मरे हुए हैं, जैसे इन्हें किसी दूसरे वुल्फ ने मारा हो। क्लेयर फिर उस वुल्फ को पकड़ने के लिए ऑर्डर्स देती है, जिसने सैंपल इन्हेल कर लिया था। डेविस जॉर्ज को स्पेशल केयर में रखता है, जहाँ उसे डॉक्टर केट मिलने आती है और बताती है जॉर्ज की ताकत फुर्ती सभी चीज तेजी से बढ़ रही है और अब वो ज्यादा खूंखार हो चुका है। डेविस पूछता है ये क्या हो रहा है। केट बताती है क्या तुमने क्रिस्पर प्रोजेक्ट के बारे में सुना है, जिसमें जीन एडिटिंग होती है। हमने इसमें शार्क साइनोज बीटल एंड चीता के जीन मिक्स किए थे, जिसकी वजह से अब जॉर्ज में इन सब की एबिलिटीज आ गई है। डेविस कहता है पर हम एक स्पीसीज की एबिलिटीज को दूसरे में ट्रांसफर कर सकते थे। जहाँ केट बताती है मैंने रिसर्च करके ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे हम बहुत स्पीशीज की एबिलिटीज को एक साथ ट्रांसफर कर सके। तभी जॉर्ज का साइज बढ़ता है और वो गुस्सा होकर केज को तोड़ देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। बाहर आने पर वो चारों तरफ तोड़ फोड़ करने लगता है, जहाँ पुलिस आकर जॉर्ज को ट्रैंकुलाइजर से बेहोश कर उसे पकड़ लेती है। कैस्पर में बर्क को जायंट वुल्फ दिखता है, वो उसकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट
डिटेक्ट करता है और उसे ट्रैंकुलाइजर से शूट कर उसकी लोकेशन पर पहुंचता है, जहां उन्हें वहां से वुल्फ गायब दिखता है। सभी ट्रूप्स घबरा जाते हैं। तभी वहां वुल्फ आकर एक एक सोल्जर को खा जाता है, जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता। बर्क अपनी पूरी कोशिश करता है, हेलीकॉप्टर वुल्फ पर फायरिंग करने लगता है। तभी वुल्फ उसे भी ठिकाने लगाता है और शांति से बर्क के पास आकर उसे निगल जाता है। डेविस एंड केट को अरेस्ट कर लिया जाता है, जहां उसे एजेंट हार्वी मिलता है। वो डेविस का बैकग्राउंड बताता है, तुम पहले आर्मी में भी रह चुके हो और तुमने दुनिया में बहुत से ज्यादा खतरनाक काम किए हैं। डेविस उसे वार्निंग देकर समझाने की कोशिश करता है, इस गोरिल्ला का साइज तेजी से बढ़ रहा है, जब तक प्लेन लैंड होगा ये पूरे प्लेन को तबाह कर चुका होगा। पर हार्वी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बताता है जोर्ज के जैसा ही एक वुल्फ भी घूम रहा है। डेविस कहता है, इसे केट ठीक कर सकती है, ये एनर्जियन के लिए काम करती है। हार्वी कहता है, ये काम करती थी, 2 साल पहले इसे निकाल दिया था क्योंकि केट वहाँ से कंपनी के सीक्रेट हार्ड ड्राइव चुरा रही थी। इसके बाद 18 महीने केट ने जेल के अंदर बिताए। ऐसा सुनकर डेविस का उस पर से भरोसा उठ जाता है। शिकागो में क्लेयर बताती है, हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी तैयार की है जिससे उन सभी जानवरों का दिमाग खराब होने लगेगा और वो सभी इसे यहाँ तबाह करने के लिए आ जाएंगे, जिन्हें आर्मी यहाँ आते आते खत्म कर देगी। हम उनके सैंपल को कलेक्ट कर बेच कर बहुत पैसा कमाएंगे। क्लियर सिग्नल्स ऑन करती है, जिसकी आवाज सुनकर जॉर्ज को होश आता है, जहाँ वो उठकर सीधा केज को एक ही झटके में तोड़कर उससे बाहर निकलता है। हार्वी सभी ऑफिसर्स को उसे मारने के ऑर्डर्स देता है, पर कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वो सभी को मार देता है। तभी प्लेन का पायलट उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे बुलेट एमिनेशन बॉक्स पर लगती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। प्लेन क्रैश होने लगता है। जॉर्ज गुस्से में केट को मारने के लिए आता है। डेविस उसे जैसे तैसे कर रोकता है और घायल हार्वी एंड केट के साथ प्लेन से जंप कर उनकी जान बचाता है। प्लेन क्रैश हो जाता है। डेविस सोचता है उसका दोस्त मारा गया, पर नीचे आने पर पता चलता है वो क्रैश में भाग निकला, जहाँ हार्वी डेविस को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स करता है। FBI क्लियर की कंपनी पर रेड मारती है। क्लियर उनके साथ कोऑपरेट कर सारा इल्जाम कंपनी एक्सेल सर्चर केट को लेवल पर डाल देती है। दूसरी साइड केट डेविस से पूछती है, तुम इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हो? यह डेविस बताता है, मैं दुनिया भर में जंग लड़ चुका हूँ और इंसानी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। पता है जो मुझे कहाँ मिला था? वो शिकारियों से छिपा हुआ था और वो उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मार रही थी, ताकि वो उसके बॉडी पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेच सके, क्योंकि एल्बिनो गोरिल्ला की ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत है। तब मैं वहाँ पहुँचा और उसे अपने साथ ले आया। केट पूछती है, उन शिकारियों का क्या हुआ? डेविस बताता है, वो मुझे मारने में चूक गए, पर मैं उन्हें मारने में नहीं चूका, मैंने उन सभी को ठिकाने लगा दिया। केट उससे कहती है, जो इंसानों के बारे में तुम्हारे जैसा नहीं सोचता, उसकी फैमिली के साथ जो भी हुआ उसके बाद भी वो तुम पर भरोसा करता है। तभी केट उसे अपनी स्टोरी बताती है, मैंने क्रिस्पर पर रिसर्च शुरू की और मेरा भाई बीमार हो गया, पर मैं जानती थी क्रिस्पर उसे बचा सकता है। फिर मैं एनर्जीन में काम करने लगी और जब मैं अपने ब्रदर के लिए एक अच्छा जीन तैयार करती, एनर्जीन के लोग उससे खतरनाक DNA बनाते, मैंने सैंपल्स बर्बाद करने की कोशिश की। इसी बीच सिक्योरिटी ने मुझे अरेस्ट कर लिया। जेल जाने के बाद मेरा भाई मारा गया। मैं चाहती हूँ वो कंपनी दोबारा किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। क्या तुम इस काम में मेरा साथ दोगे? डेविस उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। आगे डेविस एंड केट को हार्वे के साथ लिनियस आर्मी के बेस पर लाया जाता है, जहाँ वो देखते हैं वुल्फ एंड जॉर्ज एक साथ एक ही डायरेक्शन में आगे जा रही हैं। कर्नल हार्वे से कहता है, ये एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन है, आप इन्हें यहाँ कैसे ला सकते हैं? फिर कर्नल उनसे पूछता है, ये शिकागो क्यों जा रही हैं? केट बताती है, एनर्जिन ने हमें बैट्स के DNA पर काम करने को कहा था और अब मुझे लग रहा है उन लोगों ने वो काम पूरा कर लिया। उस सिग्नल को खत्म करने के लिए ये बीच में आने वाली हर चीज को तबाह कर देंगे। डेविस सिटी को खाली करवाने के लिए कहता है। कर्नल कहता है, हमें मत बताओ हमें क्या करना चाहिए। तभी कर्नल बताता है, FBI ने हमसे तुम्हें यहीं रोकने के लिए कहा है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। ऑफिसर्स दोनों को अरेस्ट कर लिए जाने लगते हैं। इसी बीच डेविस उन सोल्जर्स की वहीं बुलाई कर देता है और पास के हेलीकॉप्टर के पास आता है, जहां उन्हें हार्वी बताता है, इससे पहले आर्मी सारे सिटी को तबाह कर दे, तुम उन्हें एंटीडोट से ठीक कर दो। फिर हार्वी उन्हें क्यू देता है। कर्नल वुल्फ एंड जॉर्ज की लोकेशन देखकर उन पर ओपन फायरिंग करवाता है, पर वो
वो वहाँ सभी को निपटा कर आगे बढ़ जाते हैं। कर्नल का पूरा मिशन फेल हो जाता है। वो शिकागो को खाली करवाने की ऑर्डर्स देता है और एडवांस बॉम्बर्स मंगवाता है। डेविड एंड केट शिकागो पहुँच कर देखते हैं जो एंड वुल्फ्स कुछ तबाह करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स उनकी टक्कर लेने के लिए आते हैं जहाँ वो एक झटके में उन्हें ठिकाने लगा देते हैं। तभी रिवर से मुसीबतों को बढ़ाने के लिए वहाँ से एक जेंट एलिगेटर लिजन निकलता है। डेविस कहता है बस अब इसी की कमी थी। एलिगेटर का साइज बहुत बड़ा था। तीनों जानवर वहाँ सब कुछ मसल कर रख देते हैं। कर्नल स्पेशल बॉम्बर्स को रेडी करने की ऑर्डर्स देता है जिससे वो पूरे सिटी को खत्म कर दे। हार्वी कर्नल को ऐसा करने से मना करता है। कर्नल उसे तुरंत वहाँ से निकलने के ऑर्डर्स देता है जहाँ बाहर उसे एक ऑफिसर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देकर बताता है FBI ने सर्वर चेक किए थे पर एक सर्वर चेक नहीं हो पाया जिसका पासवर्ड ब्रेट एंड क्लियर के पास है। डेविस एंड केट शिकागो में एनर्जिन के ऑफिस में चिपके से घुसते हैं जहाँ हार्वी उसे बताता है 30 मिनट में पूरा शिकागो बॉम्बर्स से उड़ा दिया जाएगा, उससे पहले ही तुम्हें कुछ करना होगा। केट एंड डेविस ऑफिस में सभी जगह सर्च करने लगते हैं। तभी कैमराज पर क्लियर देखती है केट लैब में पहुंच चुकी है। फिर केट R19 को ढूंढ लेती है। डेविस पूछता है ये ही एंटीडोट है। जैकलिन पहुंच कर बताती है ये उनका साइज कम नहीं कर पाएगा पर उन्हें प्रेजेंट सिचुएशन में रोक कर उनका बिहेवियर नॉर्मल कर देगा। तभी वो उनसे सारे R19 के डोजेज ले लेती है और डेविस को वहीं शूट कर केट को अपने साथ गन पॉइंट पर ले जाने लगती है ताकि वो DNA प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर सके। तभी वहाँ टेरिस पर जॉर्ज पहुंचता है और हेलीकॉप्टर्स एंड सिग्नल्स को तोड़ने लगता है। डेविस वहाँ आता है और केट से एंटीडोट को ढूंढने के लिए कहता है। केट बताती है मैंने हाथ की सफाई से एक एंटीडोट को अपने पास ही रख लिया था। तभी क्लियर वहाँ आकर उन्हें गन पॉइंट पर लेकर जॉर्ज का ध्यान भटकाने के लिए कहती है। क्लियर का ध्यान हटते ही केट उस पर हमला करती है और छिपके से उसके वॉलेट में एंटीडोट डालती है। तभी जॉर्ज उसे पीछे से पकड़ कर कच्चा चबा जाता है। ब्रेड वहाँ से भागने लगता है। हार्वे उसे वहीं रोककर उसका लैपटॉप और सभी सामान सरेंडर करने के लिए कहता है। ब्रेड ऐसा कर वहाँ से खुशी से भाग जाता है। तभी बाहर उस पर मलबा गिरता है और वो वहीं मारा जाता है। सिग्नल के पास वुल्फ एंड एलिगेटर भी पहुँचते हैं। पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। डेविस एंड केट टूटे हुए हेलीकॉप्टर में बैठ कर उसे जैसे तैसे उड़ाते हैं और बिल्डिंग के गिरने पर मुश्किल से बचते हैं। बिल्डिंग गिरने के बाद दोनों मलबे से बाहर आते हैं जहाँ उनके सामने जॉर्ज आता है जो अब फिर से डेविस से बात करने लगता है। उसका बिहेवियर नॉर्मल हो चुका था। डेविस उसके साथ प्लानिंग कर वुल्फ एंड एलिगेटर को मारने के लिए कहता है। दोनों साथ मिलकर उनका मुकाबला करने के लिए जाते हैं। जॉर्ज वुल्फ को उठाकर फेंकता है जहाँ डेविस देखता है अब उसे भी पंख लग चुके हैं। डेविस फिर अपने पीछे एलिगेटर को देखता है जिससे वो प्लान बनाकर वुल्फ पर फायरिंग करता है। वुल्फ उसकी साइड आता है तभी वो बीच से हटता है। एलिगेटर वुल्फ की मुंडी को पकड़ता है और उसे पटक पटक कर उसकी मुंडी वहीं तोड़कर खा जाता है। फिर वो दोनों एलिगेटर की साइड बढ़ते हैं जहाँ डेविस उसका ध्यान भटका कर उसे अपने पीछे लाता है। एलिगेटर उसे मारने वाला होता है। जॉर्ज पीछे से उस पर बड़े से पत्थर से हमला करता है पर ज्यादा देर तक वो भी उसके सामने टिक नहीं पाता। तभी डेविस उस पर ग्रेनेड फेंकता है जिससे वो एलिगेटर घायल होता है। तभी वो उसे अपनी टेल से मारने वाला होता है। जॉर्ज वहाँ पहुँच कर उसकी जान बचाता है। एलिगेटर फिर जॉर्ज को दूर फेंकता है जिससे उसके सीने से लोहे की रोड आर पार हो जाती है। जॉर्ज को मरते हुए देखकर डेविस पास के अपाचे हेलीकॉप्टर से एलिगेटर पर हमला कर उसका ध्यान भटकाता है। एलिगेटर फिर उसकी साइड बढ़ने लगता है और उसे मारने वाला होता है। तभी जॉर्ज लोहे की रोड लाकर उसकी आंख में मारता है जिससे वो नहीं मारा जाता है। पर फाइट में जॉर्ज बुरी तरह घायल हो चुका था। कर्नल सिटी को तबाह करने वाले मिशन को अबॉर्ट करता है। जॉर्ज डेविस को लास्ट गुड बाय कर कहता है मैंने तुम्हें बचा लिया। डेविस अपने सबसे अच्छे दोस्त के जाने से दुखी होता है। वो उस लास्ट गुड बाय करता है जिसके बाद जॉर्ज दम तोड़ देता है। तभी वहाँ केट एंड हार्वी आते हैं जो उसे कहते हैं जॉर्ज ने तुम्हें नहीं पूरे शहर को बचा लिया। इसी बीच जॉर्ज का हाथ हिलता है। डेविस उसे देख लेता है और कहता है तुम्हें इस टाइम मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक नहीं करना चाहिए था। जहाँ जॉर्ज उस पर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है। सभी जॉर्ज का थैंक्स करते हैं। जहाँ ठीक होने के बाद जॉर्ज लोगों की मदद कर उनकी जान बचाता है। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।